शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुरु का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। विस्तार से इस पर बातें होंगी। सबसे पहले गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि से गोचर करने जा रहे हैं, जो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेंगे। लगभग एक साल आपके वृषभ राशि से गोचर करने जा रहे हैं। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है और आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति ही हैं, जो आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। और षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो षष्ठम भाव जो है वो रोग ऋण रेखु का है। तो गुरुदेव जब यहाँ 1 मई 2024 से गोचर करेंगे तो थोड़ी सी आप अपने हेल्थ के प्रति सावधान रहेंगे। हेल्थ इशू हो सकती है, हेल्थ पर खर्चे हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। जब राशि के स्वामी छठे स्थान से गोचर करते हैं तो वो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तो 10 करोड़ आना शुरू हो जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने का कोशिश करें। ऋण, अगर आप बहुत दिन से लोन के लिए इच्छुक हैं, या होम लोन हो या कार लोन हो या पर्सनल लोन हो या किसी अन्य प्रकार के लोन हो, मैरिज लोन हो, तो वो आपको इस एक साल के अंदर लोन मिलने की पूरी संभावना है। लोन आपको मिलेगी और शत्रु कुछ आपके होंगे और शत्रु जो होंगे उससे पंगा ना करें, उसको इग्नोर करें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं और 10वीं 9वीं। 5वीं 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु का दृष्टि अमृत होता है। जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है उसके कारकत्व को बढ़ा देते हैं। गुरु एक सुख प्लैनेट हैं। परमात्मा ने इनको देवताओं के गुरु बनाया। जितने शुभ कर्म है सब गुरु के पास है। संतान, शिक्षा, ज्ञान, धर्म, विवाह, धन, उदार दानशील, पति, जितने शुभ काम है मोस्टली गुरु के पास ही हैं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव कैरियर का होता है। तो कैरियर में तो आपके उछाल आने जा रहे हैं, कैरियर बेहतर होने जा रही है पहले से, या कैरियर में परिवर्तन होगा जिसके कारण आपका कैरियर और बेटर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना जॉब चेंज करूं, तो जॉब चेंज करेंगे तो आपके कैरियर में परिवर्तन आएगा। जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसकी नौकरी मिलने की भी पूर्ण संभावना है। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, उनकी जय जयकार होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है और द्वादश स्थान खर्चे का होता है, विदेश का होता है, तो हॉस्पिटल का होता है। तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, शुभ कार्य में भी बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधित में भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप MNC कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए बेटर है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर विदेशी कारोबार से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपके लिए बेटरमेंट होने जा रहा है। तो लेकिन थोड़ी सी रोग आपको
पीछा कर सकती है, तो इसका थोड़ा आप अपने शरीर के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। गुरु की नौवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है। द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है, तो धन का आगमन होगा, खर्चे भी होंगे लेकिन बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा और खर्चे भी होंगे, और कुटुंब में, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बात को रखी जाएगी, आपके कारण घर में खुशहालियाँ आएंगी, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा और आपकी वाणी इतनी मधुर होगी, इतनी अच्छी लगेगी कि सबको अच्छा लगेगा कि अगला जो कह रहा है वही सही है और वही होना भी चाहिए, तो आपकी बात लोग ध्यान से सुनेंगे और उसे अमल करने की भी कोशिश करेंगे। आप अगर कम्युनिकेशन लाइन से, वाणी से संबंधित, या लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचिंग, टीम लीडिंग, मैनेजमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें आपको ऊंचाइयां, गुरुदेव आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है मैंने आपके सामने स्पष्ट रखा, बहुत सारी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, बस एक ही चीज़ क्या है कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखेंगे, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और जल्दीबाजी किसी पर ट्रस्ट ना कर लें, या किसी के बहकावे में आकर तुरंत एक्शन मोड में ना आ जाए, इसका आप ध्यान रखेंगे। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।